26 अप्रैल को गौरव पथ जी सिनेमा हॉल के सामने देवनारायण मंदिर के बाहर जिप्सी चालक द्वारा लड़के को गर्दन पकड़कर घसीटने और कुचलने के प्रयास में कोई कार्रवाई नहीं होने से मेहरा समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में युवक का कॉलर और गर्दन से पकड़कर घसीटने और जान से मारने की नीयत से उस पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में शुक्रवार को कहार समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। समाज के लोगों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। कहार समाज ने अजमेर एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। कालीवंशी कहार महासभा संस्थान के अध्यक्ष मदनलाल मेहरा और पीड़ित लड़के के पिता गोपाल मेहरा ने बताया कि 26 अप्रैल को उनका बेटा ध्रुव मेहरा रात 11 बजे सिनेमा हॉल आनासागर चौपाटी से मेहनत मजदूरी कर देवनारायण मंदिर के सामने से रोड क्रॉस कर रहा था। उसी समय एक BMW कार आई जिसमें बैठे व्यक्ति ने उसे गाली गलौज की। जब उसने बोला कि वह सड़क ही पार कर रहा है, इस पर पीछे से आ रही सफेद जिप्सी में BMW कार चालक का बेटा निकला और उसको गर्दन और कॉलर से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। अध्यक्ष मदनलाल ने बताया कि उसे लेटाकर गाड़ी का टायर उस पर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। लोगों के द्वारा दी गई सूचना पर उसके पिता गोपाल मेहरा पहुंचे और अपने बेटे को जेएलएन अस्पताल इलाज कराने ले गए। घायल युवक के शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। पीड़ित के पिता गोपाल मेहरा की ओर से कृष्णगंज थाने में आरोपी जिप्सी चालक के खिलाफ नामजद शिकायत भी दी गई और CCTV फुटेज भी सौंपा गया, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इस कारण कहार समाज के लोगों में रोष व्याप्त है और समाज के लोगों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जी सिनेमा हॉल से जब बच्चा निकला 11 बजे अपने ड्यूटी ऑफ करके, तो उसके हाथ में एक टिफिन था, वो टिफिन लेके चल रहा था। फिर उसने रोड क्रॉस कर कोशिश करी, तो पीछे उसमें क्या एक BMW आगे चल रही थी, उस BMW वाले ने थोड़ा सा रुकने को उसको गाली गलौज की, उस गाली गलौज करी, तो गाली गलौज के ऊपर उसने एक चीज़ ये बोली कि भाई अंकल मैं रोड ही तो क्रॉस कर रहा हूँ। तो उसके पीछे उसका बच्चा चल रहा था, कुशाग्र नाम है उसका, मनीष के लड़के का, पेट्रोल पंप के मालिक का जो लड़का है वो कुशाग्र उस जिप्सी में था। उसने उसके कॉलर पकड़ी, देवनारायण मंदिर से काफ़ी दूर तक घसीटा उसको। उसका CCTV फुटेज के है अपने पास में, और हमने जो स्टेटमेंट दिए थे आगे वो हमारे पास में सब अवेलेबल है, और ये FIR की कॉपियाँ हमारे पास में पड़ी है। जब हमने FIR करवाई 26 तारीख रात को, अभी तक आज तक 8 दिन हो चुके हैं उस बात को, उसने किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है उसके ऊपर। और मंगाराम जी है वो जाँच के अंदर कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनने कोई सहयोग नहीं किया हमसे एक ब्लैंक पेपर पे एक बार साइन कराया था, फिर उन्होंने घर आके फड़वाया उस बच्चे से। वो हमने उस टाइम में उस कुछ कहा नहीं उनको कि भाई ठीक है, क्या लिखा था उस पर? कुछ भी नहीं लिखा था, एक ब्लैंक पेपर पर साइन कराया था, फिर उसने वापस आके उन्होंने हमसे फड़वाया ज़बरदस्ती। आपके बच्चे को जिसने मारा आप जानते हैं? उसका नाम कुशाग्र है और वो उसी ने ही वो घसीट के ले गया था। उसकी जिप्सी के नंबर हैं ये, अपने मनीष पेट्रोल पंप है वो वैशाली नगर वाला, उनका लड़का है। दुश्मनी किया पहले कोई बात? पहले कोई दुश्मनी नहीं है, बच्चा सीधा है 11, वो 19 साल का तो बच्चा है, वो सीधा अपने आता है सीधा जाता है, एक टिफिन हाथ में था। आप उसको पूरी फुटेज के कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या पता अब उसका कार्रवाई का मतलब आप सब समझते हो। 10 अप्रैल 2024 को हमारे समाज का एक बच्चा जिसका नाम ध्रुव सन ऑफ गोपाल है, वो सिनेमा हॉल में काम करता है और रात्रि 11 बजे वो अपने घर वापस जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था। उस समय एक सफ़ेद जिप्सी गाड़ी आई जिसका नंबर वगैरह सारा FIR में नोट करा दिया गया था, और उस गाड़ी वाले ने उसकी कॉलर पकड़ी और आगे तक घसीट के ले गया। उसके बाद वो गिर गया नीचे, तो वापस मुड़कर वही व्यक्ति गाड़ी लेकर आया और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ने से उस बच्चे के कई जगह शरीर में चोट आई और वो आज भी घायल पड़ा है, घर के ऊपर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम ध्रुव नाम है बच्चे का, सन ऑफ गोपाल मेहरा। ये अपने इंदिरा कॉलोनी किशनगंज में रहता है। इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई थी आपने? इसके लिए उसके पिताजी ने FIR करा दी थी 27/4 को, लेकिन FIR एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किशनगंज थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज हमारे समाज में अब रोष व्याप्त हो गया,
और इसी के लिए हम आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। आज किससे मिले हैं? आज हम कलेक्टर साहब से मिले और उनको भी ज्ञापन दिया है कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कराया जाए। क्या बोला कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हमें कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और कब की घटना है? घटना 26 तारीख की है, लोकसभा चुनाव के दिन। ठीक।